है आपकी वर्कशीट नंबर 485। तो पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की वर्कशीट है लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, राधा और राहुल के लिए मम्मी बाजार से बिस्कुट लेकर आई हैं। अब राधा ने एक डिब्बे में दो बिस्कुट रख दिए और राहुल ने उसमें तीन बिस्किट रख दिए। तो अब देखिए इनकी मम्मा बाजार गई, वहाँ से बिस्किट लेके आई। अब राधा ने क्या काम करा, दो बिस्किट डाल दिए इस डिब्बे में और राहुल ने तीन बिस्किट डाल दिए इस डिब्बे में। तो अब बोलते क्या आप बता सकते हैं कि राधा और राहुल ने मिलकर उस डिब्बे में कुल कितने बिस्किट रखे हैं? चलिए तो हम लोग देखते हैं कितने रखे हैं। तो देखिए हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, इसने दो बिस्किट रखे, आप यहाँ लिखिए दो, और इसने कितने रखे, तीन। तो आप यहाँ तीन बना लीजिए और उसके बाद इसको जोड़ लिए, दो तीन चार पाँच, तो कितने बिस्किट हो गए, पाँच। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। अब देखिए लिखा, चलिए सभी बिस्किट को एक साथ गिन कर देखते हैं, सही गिना पाँच बिस्किट है। तो देखिए यहाँ आप गिन भी पा रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो हमने लिख दिया पाँच बिस्किट है। अब देखिए यहाँ आगे आपको क्वेश्चन दिया गया, आइए नीचे दी गई वस्तुओं को जोड़ कर देखें और खाली स्थान पर सही संख्या लिखें। तो चलिए जोड़ते हैं और खाली स्थान पर सही संख्या को लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, बगीचे में फूलों पर दो मधुमक्खियाँ बैठी थी, उन फूलों पर दो मधुमक्खियाँ और आ गईं। अब बताइए फूलों पर कुल कितनी मधुमक्खियाँ बैठी हैं? तो देखिए पहले दो बैठी थी, फिर दो और आ गईं, तो अब देखिए कितनी हो गई, एक दो तीन चार। तो आप यहाँ लिख देंगे कि चार मधुमक्खियाँ हो गई। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सुमित के पास छह हरी पेंसिलें हैं और तीन पीली पेंसिल्स हैं। अब बताइए कि सुमित के पास कुल कितनी पेंसिल हैं? तो देखिए छह हरी हैं, तीन पीली हैं, तो अब यहाँ गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो कितनी पेंसिल हो गई, नौ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, चलिए नीचे दिए गए चित्रों को जोड़कर सही संख्या लिखें। तो देखिए यहाँ कितना है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ कितना हो गया, तीन। यहाँ एक दो तीन, तो यहाँ आप लिखेंगे तीन, फिर आप एक दो तीन, तो यहाँ फिर आप तीन लिखेंगे, और तीन कितना होता है, छः, तो यहाँ छः लिख देंगे। यहाँ आपके यमी फेस कितने हैं, फाइव, और यहाँ कितने हैं, थ्री, तो फाइव और थ्री कितना होता है आपका, एट, आप एट लिख लेंगे। यहाँ कितने हैं, वन टू थ्री, यहाँ कितने हैं, वन टू थ्री फोर, यहाँ फोर लिखेंगे। ठीक है, कितना होता है, ये होता है सेवन। ठीक, कर लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब नीचे दी गई आकृतियों को गिनकर कुल संख्या के स्थान पर लिखें। तो अब देखिए कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, तो आप यहाँ फाइव लिखेंगे। कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो आप यहाँ एट लिखेंगे। कितने, यहाँ वन टू, तो आप यहाँ टू लिखेंगे। यहाँ कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो आप यहाँ नाइन लिखेंगे। कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ सिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे, या डिज़ाइन मम्मी से बनवा लेंगे, या अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे और कर लेंगे। आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है, आपको फुलवारी की काय पत्रिका संख्या 149 और 150 को करना है। तो यहाँ पे भी आपको जोड़कर ही लिखना है, आप लोग जोड़कर लिख सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। ये बुक मेरे पास है नहीं बच्चों, अगर होती तो मैं आप लोगों को करवा देती ये भी। आगे यहाँ आपके पेरेंट्स को बताया गया है कि बच्चों को एडिशन यानी जोड़ का अभ्यास करवाने के लिए घरों में उपलब्ध वस्तुओं की मदद ली जा सकती है ना, और बच्चों से पूछा जा सकता है, यदि पांच क्लिप्स में से तीन क्लिप्स हटा दिए गए या तीन जोड़ दिए गए तो कुल कितने हुए, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। तो ये खेल आप अपने मम्मा पापा के साथ खेलेंगे। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।